भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। भारत सरकार और भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश के साथ कारोबार का पहिया रोक दिया है। खबर आज चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर जी। कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है, जिस कारण वहां चल रहे हर विकास की परियोजनाओं पर असर हुआ है। ये पहला झटका लगा। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति करने का काम भी रुक गया है। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की दादा जान दे गए गैसन, सारा कुछ उनकी उनकी खैरात पे पल रहे हैं। जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में नहीं, चला अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया? नहीं नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पांव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। जयशंकर और अजीत डोवाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी। बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े घुटने टेक के चले गए। देश बनाया ही बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई कि अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरन ऑफिस ने, ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुड़ी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके खराब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो गई है, सो इट मींस कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहब ने इसको किया था, ठीक है जी, और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था ये इंडिया इससे जाना था, और ये कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था, ठीक है। सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी, बड़ी बड़ी बड़े पैसे वाला था, ये इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी तो कुछ 1000 करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ द क्वेश्चन इज के ये जो प्रपोजल है इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है वो किधर जाना है? वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है इनको थोड़ा मजा चखाओ, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहली बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो, दो हिंदुओं के साथ वहां पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने आपको पता है इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखिए इफ देर इज समथिंग रिलेटेड टू हिंदूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया नाउ। इट मीन्स इंडिया इज ए डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट, वो एक डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट है ना, दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग देयर अदर पीपल। ये जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है, क्या कहेंगे सर अब ये क्या हो रहा है? और जाहिर है बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है या कोई और रीजन लग रहा है?
देखिए बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, एज ए जर्नलिस्ट जो हमें अपेरेंट नजर आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहां पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कम बैक हो रहा है, वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, अतः कि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, एक कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है, आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मोइजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मोइजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूं कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है। बांग्लादेश के लिए एंटी इंडिया होना किसी तरीके से भी फायदेमंद नहीं है। उनको ये टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट थे वो उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस भी इंडिया के बहुत डेवलप्ड हैं। तो अगर कोई ऐसे करेगा तो वो होता है यू शूट इन योर ओन फुट, ये वो करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सर हमने ये भी होते देखा, जैसे आपको पता है कि मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस बड़े खराब रहे और करना चाहें तो हाँ, इससे ये पता चलता है कि अगर वो कंट्रीज जिनको इंडिया पैसा देता है, बजट में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस आना पड़ता है। क्या हम इसको इस तरह लें? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो उनकी हो रही थी उससे बांग्लादेश को फायदा ही फायदा था। अच्छा। वो फायदा अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा।